हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 128 क्वेश्चन से। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ढाई दिन का झोंपड़ा मस्तिज अजमेर का निवारण किसने करवाया था। तो बात करते हैं ढाई दिन के झोंपड़े की, तो ये हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। इसका जो निर्माण किसने करवाया था, राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी, लाहौर। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की, इन्होंने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। रजिया सुल्तान, तो ये बेटी किसकी थी, इल्तुतमिश की। निम्न में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन कहता था अपने को ईश्वर का अभिशाप, तो ये कहता था चंगेज खान। बात करते हैं चंगेज खान की, तो इनका जो मूल नेम क्या था, तेमुचिन। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि लौंग, तो लौंग क्या होते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा सूखे फूल, ऑप्शन डी। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो बात करते हैं फूल गोभी की, तो कौन सा भाग खाया जाता है इसका, पत्तियां, पुष्पकर्म, जड़, वनस्पति कलिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्पकर्म। पौधे के इस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो बात करते हैं कॉफी की, तो किससे प्राप्त होती है, तो ये हमें देखने को मिलती है बीजों से, ऑप्शन बी। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो जो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे होता है प्राप्त, जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, तनों से। तो ये प्राप्त होता है जड़ों से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो इसमें यह पूछा गया कि हफीम प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है ऑप्शन सी, बिना पके फल के लैक्टिस से, ऑप्शन सी। जीवाणु की खोज किसने की थी। तो बात करते हैं जीवाणु की, तो किसने की थी, तो राइट आंसर होगा ल्यू बेन हुक ने। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो ये हमें देखने को मिलता है शुक्र। बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो इसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, बुध, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र हो गया, बुध, मंगल, बृहस्पति, तो कौन होगा, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 55, तो इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसे एक को बोर का तारा के नाम से जानते हैं।
तो किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा शुक्र। निम्न ग्रहों में से किसे सुंदराय का देवता कहा जाता है? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन बी। सूर्य ऊर्जा का निवारण होता है, तो कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर यहां पर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा की, तो ये कैसे उत्पन्न होती है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 49 पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, तो सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद मशनगुत हो गया? तो कौन से गुरु के पश्चात? तो राइट आंसर होगा गुरु रामदास, ऑप्शन बी। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो राइट आंसर होगा पांचवे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें यह पूछ रहा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरिकृष्ण राय। तो ये हमें देखने को मिलते थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी। सिखों के दसवें गुरु कौन थे? तो दसवें गुरु लास्ट गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो बात करते हैं खालसा पंथ की नींव की, तो कौन से गुरु ने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता? तो सारनाथ हो गया, बोधगया हो गया, कुशीनगर, तो ये तीनों रखते हैं, लेकिन पावापुरी नहीं होगा, ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ, ऑप्शन बी। ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? तो बात करते हैं ईसा मसीह की, तो इनका जो जन्म हुआ था बेतलहेम में, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर नामक स्थान, तो ये संबंधित है कबीर से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म, तो यह हुआ था कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कुशीनगर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी?
तो बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, ऑप्शन सी। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात हो गया, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो बात करते हैं मसालों की, तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं गुजरात में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 70 पर। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो पहले तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा गन्ने, तो भारत के किस राज्य में, ये हमें देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये भी जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमें देखने को मिलती है कानपुर में, ऑप्शन सी। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का सॉरी भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1955 में, 1970, 1975, 1985। तो ऑपरेशन फ्लड तो ये शुरू किया गया था 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बात करते हैं श्वेत क्रांति का संबंध, तो राइट आंसर होगा दूध उत्पादन, ऑप्शन बी। और दोस्तों बाकी क्रांतियों के बारे में भी आपने पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध तो किससे है? तो राइट आंसर होगा दूध उत्पादन, ऑप्शन सी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो बात करते हैं श्वेत क्रांति की, तो कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बी कुरियन, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।